केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानून को लेकर पिछले लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं। बुधवार को संगरूर के महिला चौक गांव से पंजाब के अलग अलग जिलों के इकट्ठा हुए किसानों की तादाद में किसानों ने करीब 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के लिए कूच कर दिया। तस्वीरें संगरूर के महिला चौक गांव की हैं। गांव की अनाज मंडी में पंजाब के कई जिलों के किसान रात के समय इकट्ठा हुए और उसके बाद हरियाणा के रास्ते दिल्ली के लिए कूच कर दिया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के तहत किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है और किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जगह जगह पुलिस तैनात है और साथ ही किसानों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है। देखो जी संख्या है वो तो साड़ी जी है भी हज़ारा की गिनती च है, जी ट्रैक्टर की गिनती है वो जजमेंट पूरी नहीं हो रही। जे कल दे शाम के इतने ट्रैक्टर आने शुरू होए हुए, कुछ ट्रैक्टर अगे लंघे पिछे लंघे, कुछ इतने भी कट्ठे हुए हूँ। असी जो इतों कल तो साढ़े जोड़े जिला दूर से फाजिलका, फिरोजपुर, मुक्तसर, फरीदकोट, उन्होंने एक दिन लगना ही सगा, वो तुरे ने कल दे एक दिन लगे। शाम को असी सारी रात इतने कट्ठे हुए, हजे भी कुछ लोग मस्तुआने खड़े आ, मस्तुआने हूँ तुरे आ, कुछ हजे होटलों पर खड़े है। तो तकरीबन जोड़ा हूँ असी महल चौक तो इतों रूट है जोड़ा वो दिल्ली वालों इतों तुरद अगे देखते हैं कि जहाँ रूट है की है। साढ़े जोड़े संगरूर के आगू है इस जिले के नाल वो साढ़े नाल हो जोड़ा असी मार्च इतों शुरू कर रहे हैं। 10-15 मिनट अच्छे उतो असी तुरन लगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। किसान बहुत ही बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं जिसमें करीब करीब 2000 ट्रैक्टर शामिल हैं और इसी के साथ में किसान ही नहीं बल्कि किसानों के परिवार के लोग भी उनके साथ में संघर्ष में मौजूद हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। और इसी के साथ में कई सारे नाकों पर पुलिस बल तैनात है और किसानों को समझाने का भी प्रयास चल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघर्ष कर रहे हैं। पिछले करीब करीब 2 महीने से किसानों का संघर्ष जारी है और अब आखिरकार किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। किसानों की यही मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए या फिर उसमें कुछ संशोधन किया जाए। किसानों को समझाने के लिए पंजाब सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सरकारें अभी नाकाम साबित हुई हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर देखा जाए किसान जिस तरीके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अभी क्या कुछ अपडेट है? इस तरीके से दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं किसान जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की जो आवाज है यानी कि किसानों को जो मुद्दा है वो यही है कि किसान जो बिल उनके लिए लाया गया है वो उनके पक्ष में नहीं है और वो उन्हें किसान उन्हें विपक्ष में समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जो किसान संगठनों ने परमिशन मांगी थी रामलीला मैदान की और जंतर मंतर की कि उनको प्रदर्शन करने के लिए और उनके अपनी आवाज उठाने के लिए उनको जगह दी जाए, तो दिल्ली पुलिस ने अभी इन जगहों को देने से साफ मना कर दिया है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से उनको परमिशन नहीं दी गई है। पर बात करें जिस तरीके से किसान अभी दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं उनको रास्ते में ही रोका जा रहा है, मगर दिल्ली की तरफ जैसे ही आएंगे यानी कि कह सकते हैं बॉर्डर तक जैसे आएंगे तो दिल्ली की पुलिस कहीं ना कहीं उनको रोकेगी और रोकने के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं मानते तो वहीं पर यानी कि दिल्ली के बॉर्डरों पर ही उनको अरेस्टिंग भी किया जा सकता है। जी राजू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ में। और बात की जाए किसानों की तो किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।